दही खाने के बाद भूलकर भी ना खाएं ये छह चीजें, वरना गल जाएगा आपका लीवर, सड़ जाएंगी आपकी आंतें और जान तक भी जा सकती है, और आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों वैसे तो दही को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, दही ज्यादातर लोगों के भोजन का एक नियमित हिस्सा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें दही के साथ खाने से आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हम आपको बताने वाले हैं उन चीजों के बारे में, यदि आप उन चीजों को दही से पहले, तुरंत पहले या तुरंत बाद में खाते हैं तो इससे आपकी आंतें तक सड़ सकती हैं, आपका लीवर बिल्कुल डैमेज हो सकता है और आपकी जान तक भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना चाहिए ताकि आपका कोई रिलेटिव जानकर कोई भी इस तरह की गलती ना करे। तो चले जानते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों दूध और दही दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं, लेकिन दोनों का सेवन कभी भी साथ साथ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो एसिडिटी, गैस, उल्टी की समस्याएं और हमारी आंतें तक सड़ने की समस्याएं हमारे शरीर में हो सकती हैं, जिससे कि हमें भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दही के साथ भूलकर भी उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को साथ खाने से शरीर को बहुत अधिक नुकसान होता है। इससे आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और जिससे आपको पाचन से जुड़ी बीमारियां आपके शरीर में अपना घर बना लेती हैं। और दोस्तों ये पाचन से जुड़ी बीमारियां ही बाद में बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं, यानी ये बड़ी बड़ी बीमारियां यहाँ से शुरू होती हैं आपकी इन गलतियों से। दही के साथ प्याज खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल इन दोनों की तासीर अलग अलग होती है। प्याज की तासीर गर्म होती है जबकि दही ठंडा होता है। दोनों को एक साथ खाने से दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, त्वचा और पेट से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं भी हो जाती हैं, जिससे आपको सफेद दाग आदि की समस्याएं भी हो जाती हैं। और हम ये समझ नहीं पाते कि ये किस कारण हुआ। बहुत सारे मेरे भाई कहेंगे मैं तो अक्सर ये गलती करता हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें स्लो पॉइजन का काम करती हैं, यानी धीरे धीरे हमारे शरीर में असर दिखाती हैं और फिर हमें एक दिन जब वो बीमारी हो जाती है तब हमें उसका कारण ही समझ नहीं आता कि ये हमें बीमारी किस वजह से होगी। मैं तो बहुत फिट हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, घूमता भी हूँ, फिर भी ये बीमारी मुझे कैसे होगी। तो दोस्तों इन बीमारियों के होने की वजह हमारी कुछ गलतियां भी होती हैं। आम भी दही के साथ नहीं खाना चाहिए, दोनों शरीर के लिए जहर का काम करते हैं, क्योंकि इनकी तासीर भी एक दूसरे से अलग होती है। इसलिए इसको लेने से आपके शरीर में जहर फैल सकता है जिससे कि आपकी जान तक भी जा सकती है। दही के साथ मछली खाने से भी बचना चाहिए। अगर आप दही के साथ मछली खाते हैं तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें पेट की भी कई तरह की बीमारियां हैं, जिनसे आपका लीवर तक भी डैमेज हो सकता है, आंतों की समस्याएं भी हो सकती हैं। तली भुनी हुई चीजों के साथ भी आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर पराठों के साथ दही खाते हैं, लेकिन इससे आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है और आपको पाचन से जुड़ी बीमारियां, कब्ज, गैस और एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, जो भविष्य में जाकर बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता देती हैं। तभी तो कहा जाता है कि आपका पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है, क्योंकि वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। पहले आपका पाचन कमजोर होगा, फिर कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या होगी, और उसके बाद धीरे धीरे हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, सभी तरह की बीमारियां आपके शरीर में लग जाती हैं। लीवर से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, खून से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, एलर्जी रहने लगती है। तो दोस्तों आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए ताकि सभी मेरे भाई इस वीडियो को देखकर इन गलतियां करने से बच जाएं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।